फास्ट न्यूज डिजिटल में आप लोगों का स्वागत है। एक नारा जो आपको हरा सकता है, एक नारा जो आपको जिता सकता है। चुनावी नारा जुमला नहीं होता है, नारों की ताकत से उम्मीदवार का खेल बनता है और बिगड़ता भी है। नारों से ना केवल सरकारें बदलती हैं बल्कि सत्तारूढ़ दलों द्वारा गढ़े गए नारों उनके लिए आत्मघाती भी साबित हुए हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नारों की ताकत से बदौलत सत्ता तक शीर्ष तक पहुँचे हैं। आज हम ऐसे नारों की बात करेंगे जिनकी वजह से कईयों की सत्ता पलट गई थी। 16वीं लोकसभा यानी 2014 का आम चुनाव, इसमें अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं जैसे नारे बच्चों की जुबान पर चढ़ गए थे। बीजेपी का अच्छे दिन का नारा कांग्रेस हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की पर भारी पड़ गया। इन नारों का असर यह हुआ कि केंद्र सरकार की सत्ता पर 10 साल से काबिज रही मनमोहन सिंह की सरकार को जनता ने नकार दिया। फेल हो गया कांग्रेस का हर हर शक्ति हर हर तरक्की का नारा। कांग्रेस द्वारा दिया गया एक दूसरा नारा, जनता कहेगी दिल से, कांग्रेस फिर से सुपर फ्लॉप हुआ। जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से दिल्ली की गद्दी सौंप दी। सबका साथ सबका विकास का नारा भी बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ। दरअसल नारों को जब भी बात होती है तो 1984 का लोकसभा चुनाव का जिक्र जरूर होगा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया, इंदिरा तेरी कुर्बानी याद करेगा हर हिंदुस्तानी। सहानुभूति के इस नारे का जबरदस्त असर रहा और जनता की पूरी सहानुभूति कांग्रेस को मिल गई और हाथ लगा तो 2/3 बहुमत। जब राजीव गांधी का पहला चुनाव लड़े तो उनका नारा था, उठे करोड़ों हाथ हैं राजीव के साथ हैं, इसका पार्टी को खूब लाभ मिला। कांग्रेस के चर्चित नारे जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, सोनिया नहीं ये आधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद, कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, उठे हजारों हाथ सोनिया जी के साथ। अगर बात करें 1996 में भाजपा ने अब की बारी अटल बिहारी वाजपेयी के नारे से कांग्रेस को ऐसा जोर का झटका दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा बैठे। 1996 में बीजेपी की भ्रष्टाचार मुक्त छवि को लेकर बनाए गए नारों से सत्ता में आई भाजपा 2004 में इंडिया साइनिंग के अपने ही नारों में चमक खो बैठी और सत्ता से दूर हो गई। अगर बात करें 2004 में ही भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ पर जोर दिया, लोगों पर इतना असर हुआ कि उसने कांग्रेस को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। बीजेपी ने भी सत्ता तक पहुँचने के लिए कांग्रेस को चुभने वाले नारे गढ़े, ये देखो इंदिरा का खेल है, खा गई शक्कर पी गई तेल, आपका वोट राम के नाम, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इतिहास गवाह है कि इन नारों ने बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, बता दें तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने 2011 में नारा दिया माँ माटी और मानुष। इस नारे का इतना असर हुआ कि पश्चिम बंगाल में कई दशकों से काबिज वाम दलों के हाथ से सत्ता निकल गई। इसके सहारे ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल हुई। बात अगर बिहार की करें तो जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू का ये नारा इतना गूंजा कि लालू यादव के कई साल तक सत्ता में बने रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन सा नारा आपको ज़्यादा अच्छा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।